रोहतास जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर आज जिले के डेहरी अनुमंडल के तहत पुलिस केंद्र से रोहतास के एसपी आशीष भारती ने बाइक पेट्रोलिंग टीम की शुरुआत की। इस पेट्रोलिंग टीम में महिला पुलिसकर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। आज इस टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रोहतास के एसपी आशीष भारती ने बताया कि अपराध नियंत्रण के लिए नया प्रोग्राम बनाया गया है, जिसके तहत बाइकर्स टीम में महिला पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है, जो खासकर महिला कॉलेज, गर्ल्स हाई स्कूल, पार्क और सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी रखेंगी और साथ ही लोगों को सहायता भी पहुंचाएंगी। रोहतास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। पेट्रोलिंग का जो आज हरी झंडी दिखाया गया है, रोहतास जिला में अपराध नियंत्रण, यातायात संधारण, विधि व्यवस्था संधारण हेतु लगातार नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जो मोटरसाइकिल पूर्व से उपलब्ध थी उनको मॉडर्नाइज करा करके उसमें अलार्म, ये सायरन सिस्टम, पब्लिक एड्रेसल सिस्टम और जो कॉशन लाइट है उसको लगवाया गया है। और साथ ही साथ जो उस पर पुरुष एवं महिला सिपाहियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिनको निर्देशित किया गया है कि वो लगातार जो जिस थाना क्षेत्र में उनकी ड्यूटी लगाई गई है उसमें भ्रमणशील रहेंगे, खास करके भीड़ भाड़ वाले इलाके, बाजार वाले इलाके जिसमें चार पहिया वाहन से गश्ती करने में समस्या होती है वहाँ पर विशेष ध्यान रखेंगे। महिला कॉलेज, महिला स्कूल इत्यादि के आसपास या कोचिंग के आसपास विशेष ध्यान रखेंगे। पार्क के आसपास भी विशेष ध्यान रखेंगे ताकि महिला सुरक्षा को और बेहतर बनाया जा सके। साथ ही साथ अगर कोई मदद की मांग की जाती है या आपराधिक घटना होने की सूचना प्राप्त होती है तो भीड़भाड़ वाले इलाकों में तुरंत पहुंचेंगे। और अगर यातायात की समस्या कहीं पे है तो उसका भी बेहतर तरीके से संधारण कराने के लिए उपयोग करेंगे और प्रयत्नशील रहेंगे। तो इस प्रकार से इसको प्रारंभ किया गया है और इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा।